रेल विभाग वालों आम लोगों लिए एक बड़ा ऐलान किया गया। जी हाँ, रेल विभाग ने ऐलान किया कि हुण ट्रेन हादसों के जिहड़े पीड़ितों सरकार वालों 10 गुना मुआवजा है जिहड़ा दिता जाएगा। रेलवे ने 18 सितंबर 2023 नूं कई नए नियमों दिया जिहड़े ऐलान किया सी अते उस दिन तो यह लागू भी हो गए सन। जख्मियों के हस्पताल खर्च का जिहड़ा बोझ भी हुण सरकार चुकेगी। यह रकम उन्हां दी सत्त की जिहड़ी गंभीरता के आधार पर तय की जाएगी। जख्मियों उन्हां दी जिहड़ी सत्त की गंभीरता के आधार पर प्रतिदिन 3,000, 1,500 और 750 रुपए मिलेंगे। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124A के तहत रेलवे प्रशासन है जिहड़ी ऑन ड्यूटी रेलवे कर्मचारी कोई व्यक्ति जिसने किसी भी तरीके यात्री ट्रेन के राही यात्रा करने के लिए जिहड़ी वैलिड टिकट खरीदी हो वैलिड प्लेटफॉर्म टिकट खरीदिया हो इन्हां सारयां नूं मुआवजा देने दे लई जिम्मेदार है। इस विच ट्रेन हादसे हमले तो इलावा वेटिंग हॉल क्लॉक रूम बुकिंग काउंटर प्लेटफॉर्म या स्टेशन की जिहड़ी किसी भी थां ते होण वाली घटना शामिल है। देश में सब तो ज़्यादा मामले है जिहड़े सड़क दुर्घटनावां दे आउंदे ने। इस विच बस छोटियां गड्डियां तो लैके बाइक तक भी शामिल है। भारत में हर साल सड़क हादसों की वजह नाल लखां लोग है जिहड़े जान गवा दिंदे ने। 2021 दे विच सड़क हादसों च 4 लाख तो ज़्यादा मौतां हुईयां। सड़क हादसों में मुआवजा जिहड़ा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि MACT के जरिए मिलता है, लेकिन इत्थे मुआवजे का जिहड़ा कोई भी तयशुदा रकम नहीं है। मुआवजा हमेशा केस की गंभीरता और नुकसान पर निर्भर करता है। इस तो इलावा राज सरकारां दी जिहड़ियां अपनियां अपनियां बसां चलदियां ने उन्हां विच हादसा होण ते मिलण वाले मुआवजे की है जिहड़ी दर वख वख हुंदी है। ट्रेन की तरह जिहड़ियां एयरलाइनस भी अपने पैसेंजरस नूं मुआवजा दिंदी है। इस विच फ्लाइट रद्द उड़ान विच देरी बोर्डिंग तो इनकार होना समान जिहड़ा लापता होण वर्गियां गल्लां दा मुआवजा मिलदा। जेकर फ्लाइट विच किसी यात्री की जिहड़ी मौत हो जाती है या शरीरिक सट्टा आउंदियां ने तां भी एयरलाइन मुआवजा दिंदी है। अते इह क्लेम 2009 तो भारत सरकार वल्लों स्वीकार किए गए जिहड़े कन्वेंशन प्रोटोकॉल के अनुसार है। सो हुण रेलवे वल्लों भी यह जिहड़ी यात्रियों लई इह पहल की गई है। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, वेखदे रहो लुधियाना लाइव।